हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वैक्यूम के ऊपर। क्या स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन के टाइम पे उसको वैक्यूम करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं जो वैक्यूम नहीं करते हैं, या आप पुराना एसी कहीं पर दोबारा लगवा रहे हो, रिलोकेशन हो रही है उसकी, तो भी उसका वैक्यूम नहीं करते हैं। और एसी हालांकि ठीक काम करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्यूम करते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था कि किस तरह से एक स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन हमें करवानी चाहिए। ऑलमोस्ट 22 या 23 मिनट का वो वीडियो, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसके ऊपर। तो उसके अंदर मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया था, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि आपने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया। सो आई डिसाइडेड कि एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बना दूँ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा ये टर्म है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हाँ ना में अगर जवाब मैं दूँ कि हाँ वैक्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जी हाँ, दिस इज़ एब्सोल्युटली मैंडेटरी। ये कोई चॉइस वाली बात नहीं है। अगर आपके यहाँ पर स्प्लिट एसी लग रहा है, अब वो पुराना है या नया है, तो गैस रिलीज होने से पहले मशीन को वैक्यूम करना मैंडेटरी है। अब अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको कहकर करवा लीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसे आपने खर्च कर रखे हैं, आप इंस्टॉलेशन के भी पैसे खर्च रहे हो, तो यार आपकी ड्यूटी बनती है कि ठीक से काम करवाओ। क्योंकि काम करने वाले के पास अगर टूल नहीं है या वो नहीं कर रहा तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमारी ड्यूटी बींग ए कंज्यूमर, हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हमने 40-50 हज़ार रुपये खर्च किए हैं, तो हमारे घर में जो चीज़ लग रही है वो एक प्रॉपर वे में लगे, ताकि हम उसका प्रॉपर मतलब फ़ायदा उठाएं, परफॉर्मेंस उसकी बेटर मिले हमें। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो वैक्यूम करना होता है ज़रूरी क्यों होता है, या इससे क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब इंडोर और आउटडोर कंपनी से आप खरीदेंगे, अब आपके घर पे आएंगे, तो वो अलग अलग यूनिट होते हैं, और आउटडोर के अंदर गैस होती है वो फुल होता है बिल्कुल रेफ्रिजरेंट से, और जो इंडोर होता है वो उसके अंदर प्रेशर होता है, हालांकि जब उसकी रबड़ का एक पैकिंग लगा रखा होता है, कैप लगा रखा होता है उसमें, तो वो तो उतारना ही उतारना है, कोई चॉइस नहीं है। तो जैसे ही वो उतरता है तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है, तो यानी कि अब उसके अंदर एयर चली जाती है। सेकंड थिंग, जो कॉपर के पाइप्स हैं जिनके थ्रू या जिनकी मदद से इंडोर और आउटडोर को कनेक्ट करना होता है, वो भी उनके अंदर कोई प्रेशर नहीं है, उनके अंदर कोई वैक्यूम नहीं कर रखा, तो वो भी जब उसके कनेक्शन वगैरह होते हैं, उसमें फ्लेयर बनता है, या फिर उसके नट बोल्ट वगैरह टाइट होते हैं, टेपिंग वगैरह होती है, मतलब प्रॉपर जो भी पूरा प्रोसेस है उसके बीच में क्या होता है, उस पाइप के अंदर एयर फ्लो होती रहती है, क्योंकि हवा तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जगह मिल जाए वहीं पे पहुँच जाती है। तो उन पाइप्स के अंदर दोस्तों हवा होती है, और हवा के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। दोस्तों, मॉइस्चर ही सारे फसाद की जड़ है, मॉइस्चर की वजह से ही मशीन को वैक्यूम करना मैंडेटरी है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कभी कभी। अब होता क्या है दोस्तों कि एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, अब मॉइस्चर क्या होता है, नमी होती है, या सिंपल वे में कहूँ तो पानी होता है। तो पानी का क्या काम है, जब टेम्परेचर डाउन होगा तो वो जम जाएगा, आइस फॉर्मेशन ले लेगा। और एसी की अगर बात करें तो जब इंडोर के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है तो वो पानी जमने का जो टेम्परेचर है, मतलब जीरो पे तो पानी जम जाता है, लेकिन वो जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो उससे भी कहीं ज़्यादा डाउन होता है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रीम ठंडा होता है, चिल्ड होता है। तो ऐसे में अगर वहाँ पर पानी है तो वो ऑब्वियसली जम जाएगा, ठीक है। और वो पानी अगर रेफ्रिजरेंट के अंदर ही है, मतलब उसी पाइप में पानी भी है, उसी पाइप में गैस भी है, तो वो तो ऑब्वियसली बात है जम जाएगा। और दोस्तों, जो एसी के अंदर छोटे छोटे पाइप होते हैं जिनके अंदर बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, जैसे कि कैपलरी हो गई, या फिर थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व हो गया, या इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वॉल्व हो गया, तो ये छोटे छोटे जो सुराख होते हैं ना, इनके अंदर जाकर कई बार वो मॉइस्चर आइस के रूप में मतलब चोक कर देता है, उनको बंद कर देता है, और उसके बाद क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं, सिस्टम फेलियर हो जाता है कई बार। अब ऐसे में कुछ मेजर प्रॉब्लम होता नहीं है कभी, क्योंकि होता क्या है कि वो एक आइस है, यानी कि पानी है ना, जब टेम्परेचर, जब एसी बंद हो जाएगा तो वो दोबारा से मेल्ट हो जाएगी,
उसके बाद फिर से आप जब एसी चलाओगे तो वो ठीक से चलेगा। और हर बार ऐसा नहीं होता है, वो कभी कभी होता है कि वहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर वो काम, मतलब वो आइस का जो फॉर्मेशन है वहाँ पे फंस जाए और सिस्टम फेलियर कर जाए। तो ऐसे में हमें पता भी नहीं लगता है कि हमारे सिस्टम में क्या दिक्कत है, क्योंकि बाई चांस अगर कभी कोई दिक्कत आ भी गई तो हम टेक्नीशियन को बुलाएंगे, वो चेक करेगा, वो कहेगा जी गैस भी पूरी है, मशीन अम्पेयर भी ठीक ले रही है, एयर फ्लो वगैरह जो भी है सब कुछ ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन कभी कभी फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको मशीन को वैक्यूम कराना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं अगर वैक्यूम ना करें हम मशीन को। अब दूसरी बात ये है दोस्तों कि अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल होता है ना वो भी मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है। दोस्तों जो कंप्रेसर के अंदर ऑयल आजकल आ रहा है वो होता है POE, उसका टेक्निकल शॉर्ट नेम है, वैसे उसको पॉलियोलेस्टर ऑयल कहते हैं। और वो जो ऑयल होता है वो हाइड्रोस्कोपिक होता है, यानी कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट ने भी जाना है तो अगर बाई चांस थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर है, हमारे हमने वैक्यूम नहीं करवाई अपनी मशीन, उसके अंदर मॉइस्चर भी है, तो अगर थोड़ा बहुत उसमें है भी नमी तो वो कंप्रेसर का जो ऑयल है वो उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। तो प्रॉब्लम सॉल्व, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत दोस्तों आती है, और कब आती है, जब तक हमारे कंप्रेसर की वारंटी खत्म हो चुकी होती है। ये एक तरह से स्लो पॉइजन का काम करता है कंप्रेसर को खराब करने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली कोई काम करता है, ये एक ऐसी चीज है जो धीरे 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 कंप्रेसर को खराब कर देता है। और वो कैसे करता है इसको भी आप समझ लीजिए। बेशक कि जो ये ऑयल होता है, पॉलियोलेस्टर ऑयल होता है, ये हाइड्रोस्कोपिक होता है, बट दोस्तों जब इसके अंदर नमी या फिर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है तो ओवर द ईयर मतलब ये सालों का प्रोसेस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दो छः महीने में आठ महीने में ऐसा हो जाएगा, सालों में दो चार पाँच साल बाद उस ऑयल के अंदर उस मॉइस्चर की वजह से या उस पानी की वजह से, सिंपल भाषा में कहूँ तो उसको वो एसिडिक बना देता है, वो ऑयल को एसिडिक बना देता है। और उस ऑयल को जब वो एसिडिक बना देता है तो जो कंप्रेसर के अंदर वाइंडिंग है, कॉपर की जो वाइंडिंग हो रखी है, उस वाइंडिंग के ऊपर जो वार्निश की इंसुलेशन होती है, जैसे पंखे की वाइंडिंग हो गई या किसी मोटर की वाइंडिंग होगी, आपने देखा होगा तांबे की तार होती है उसके ऊपर वार्निश की एक इंसुलेशन होती है, तो वैसी ही सिमिलर इंसुलेशन वाली केबल या तार कंप्रेसर के अंदर भी यूज़ की जाती है। तो उसको वो खाता रहता है, धीरे धीरे वो इंसुलेशन को खराब कर देता है जो कि वो एसिडिक फॉर्म में अब बन चुका है। अब होता क्या है कि जब इंसुलेशन को वो खराब कर देता है तो जो कॉयल है वो शॉर्ट हो जाती है, या फिर उसमें मतलब आप ये मान लीजिए कि आपस में तारें भिड़ गई तो कॉयल खराब हो जाती है और अल्टीमेटली कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम करती हैं, और टेक्नीशियन को जब आप बुलाओगे तो वो सिंपली कहेगा कि कंप्रेसर काम नहीं कर रहा जी, ये तो ख़राब हो गया। लेकिन उसको ख़राब होने का रीज़न क्या है यहाँ तक कोई पहुँचना नहीं चाहता है दोस्तों। तो यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि जब आपके घर में इंस्टॉलेशन हो 100% आपको अपनी मशीन वैक्यूम करवानी है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप टेक्नीशियन बदल दीजिए, या फिर उसकी कंप्लेंट कीजिए, या फिर आप किसी ऐसे टेक्नीशियन से करवाइए जो प्रॉपरली वैक्यूम करने के बाद ही आउटडोर से गैस को रिलीज करे, ताकि आपको फ्यूचर में भी कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि ये जो मतलब पॉइंट है ना ये सभी को पता लगना चाहिए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और चैनल को भी सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लिया करो, और साथ में ही घंटे को भी दबा दो, ताकि आने वाले ऐसे यूजफुल वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।